सर भैराराम चौधरी, हमारे बीच में आप समाज के इस खेल आयोजन के बारे में समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भैराराम चौधरी, मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा इस विंजा गांव के सभी ग्रामवासियों को जिन्होंने इतना बड़ा भव्य समाज के लिए इस खेल महासंग्राम के कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए उन्होंने पहल की और मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ पूरे समस्त ग्रामवासियों को। इस तपोभूमि पर खेल महासंग्राम का आयोजन करना, इस समाज में इस गांव की पहचान विश्व स्तर पर जिस प्रकार आगे बढ़ रही है और खेल महासंग्राम के आयोजन पर आज हम केंद्रीय कार्यालय यहाँ शुभारंभ के लिए यहाँ पहुंचे हैं और आज से इस खेल महासंग्राम के कार्यक्रम की आज शुरुआत हो रही है और हमारे बीच में सरपंच साहब वेलाराम जी और भियाराम जी समस्त ग्रामवासी यहाँ मौजूद हैं और साथ ही इस खेल महासंग्राम के कार्यक्रम में कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कई प्रकार के खेल का आयोजन इस खेल महासंग्राम में कर रहे हैं। मैं देश के सभी देशवासियों को मैं निवेदन करूंगा कि इस भव्य खेल महासंग्राम का आप हिस्सा बने और एक महाकुंभ के रूप में, महोत्सव के रूप में विंजा गांव के अंदर ये जो कार्यक्रम हो रहा है मालेश्वर धाम के पवित्र भूमि पर, तो इस कार्यक्रम में आप सभी शामिल हो। इस खेल महासंग्राम के इस बार विश्व स्तर का 421 बीघे में ये कार्यक्रम ये करने जा रहे हैं जिसमें 5 क्रिकेट के मैदान, 6 वॉलीबॉल के मैदान, 2 फुटबॉल के मैदान और 8 कबड्डी के मैदान, इसी तरह 100 मीटर की रेस, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की रेस, वेट लिफ्टिंग, लॉन्ग जंप और इसी प्रकार कई प्रकार की स्पर्धाएं इसके अंदर शामिल किया गया है। जिस प्रकार भारत खेलों के तहत भारत सरकार ने एक खेल कार्यक्रम आयोजित किया गया है तो ये आरणा समाज ने सबसे पहले पहल की है कि ओलंपिक के अंदर भारत को पदक मिले तो गांव की प्रतिभाओं को तराशने का काम इस ग्रामीण स्तर पर ये करने जा रहे हैं और ये कार्यक्रम बिंजा जो रोड तहसील के अंदर जिला पाली के अंदर मौजूद है और ये छोटा सा गांव, प्यारा सा गांव जहां मान सरोवर बना हुआ है, मालेश्वर धाम बना हुआ है, गांव के अंदर इतना मान सम्मान, इतना प्यार और संस्कृति, पहनावा, मीठी बोली, इतना सुंदर ये कार्यक्रम यहाँ इन गांव वासियों के सहयोग से करने जा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम 11 नवंबर से 15 नवंबर तक ये खेल महासंग्राम 10,000 खिलाड़ियों का समावेश होगा और इस रणनीति के तहत 100 गांवों के अंदर पीले सावल बांटे जाएंगे और इसके प्रचार प्रचार के लिए 1,00,000 पैम्पलेट एक रथ के द्वारा, इस खेल महासंग्राम रथ के द्वारा 100 गांवों के अंदर पीले सावल बांटे जाएंगे और 36 कौम को भी इस समाज के जो भव्य आयोजन के लिए उन सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए उनको चावल बांटेंगे और साथ ही भारत सरकार के सभी खेल मंत्री, राजस्थान सरकार के मंत्री, जो भारत का नाम रोशन करने वाले वो खिलाड़ी, उनको भी हम इस बिंजा खेल महासंग्राम में हम उनको बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे। साथ ही मीडिया के माध्यम से इस भारत सरकार को और देश की जो खेल संस्था है उनको एक संदेश देंगे कि क्यों नहीं गांवों के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम हो सकता है तो सरकार भी ये पहल करनी चाहिए। तो इस ओलंपिक लेवल का जो आरणा समाज का जो अखिल भारतीय आरणा युवा महासंगठन के सानिध्य में ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में देश के वो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जो बॉम्बे, बेंगलोर, टिमकुर, हुबली, दिल्ली, अहमदाबाद, पालनपुर, चित्रदुर्गा, यानी देश की सैकड़ों टीमें इसमें भाग लेगी और एक समाज को गौरवित करने का ये पहल है और देश को एक संदेश है कि छोटे से गांव के अंदर एक आरणा समाज ने इतना भव्य कार्यक्रम किया जो एक इतिहास रचने जा रहे हैं। तो मेरे देश के सभी समाज बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि इस खेल महासंग्राम में
आप बढ़ चढ़कर भाग ले, युवाओं को प्रोत्साहित करें और तन मन धन से सहयोग भी करें और सकारात्मक विचारों के साथ इस समाज को, इस धर्म को और इस भारत देश को मजबूत बनाने में आप सभी की सहयोग की आशा रखते हैं। आप सभी के आशीर्वाद की जरूरत है हमें और आगे भी समय समय पर हम आपके बीच में इस खेल महासंग्राम के माध्यम से आपके संबंध आपके लगातार बनाए रखेंगे और जो भाग लेने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो प्रतिभाएं हैं, वो भी समय समय पर आपसे संपर्क कर इस खेल में आने के लिए आपको जो नियमावली है उसके बारे में भी जानकारी देते रहेंगे। तो मैं पटेल टीवी का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस समाज को गौरवित करने के लिए एक पटेल टीवी के माध्यम से ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा इस पटेल टीवी के सभी संवाददाताओं को जिन्होंने बहुत ही अच्छी सोच रखते हुए पटेल टीवी का निर्माण किया। आज पटेल टीवी में 13 लाख लोग जुड़ चुके हैं, 36 कौम के लोग पटेल टीवी से जुड़ चुके हैं और इस माध्यम से भी इस खेल महासंग्राम को सफल बनाने में उनकी भी भागीदारी रहेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पटेल टीवी और अखिल भारतीय आरणा युवा महासंगठन की टीम को और इस बिंजा गांव के समस्त ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस खेल महासंग्राम को बच्चों के लिए, समाज के लिए गौरवित करने के लिए आपने सहयोग किया, आशीर्वाद दिया। और भगवान से दुआ करते हैं, मालेश्वर भगवान से के राजेश्वर भगवान से कि सबको सद्बुद्धि दे और सबको आशीर्वाद दे कि इतना जोश हो कि समाज को और ऊंचा ले जाने में आपकी हमेशा पहलता के रूप में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सरवर राम चौधरी। अब हम बीजा काम में होगा और लोगों ने देखा तो वास्तव में कई जातियों ने, कई समाज के बड़े बड़े अध्यक्ष आए, उन्होंने भी उसका आकलन किया तो लगा कि ऐसा आयोजन तो बहुत मुश्किल है ग्रामीण क्षेत्र में विशेष करके, और वो आयोजन हुआ। और दूसरा इनका प्रयास भिंजा में इस धार्मिक स्थल पर मालेश्वर धाम पर आज हमारे बीच में इस अभियान में यहाँ के स्थानीय सरपंच श्री बैलाराम जी पटेल पधारे हैं, उनका स्वागत है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे इस खेल आयोजन के बारे में आशीर्वाद के रूप में इनको दो शब्द कहें। हाँ बोलो मालेश्वर भगवान की जय हो। मैं के मारो गांव बिंजो, मैं अटल सरपंच हूँ और आपकी मेहरबानी हमारी भी पटेल टीवी हम जो सारे युवा मतलब टीम थोड़ी है अटे मारा भाग्य है। मावसी कहता है के थोड़ी पैसा भाई ने और जब घूमता रूप बताई तो वो अपनो मोरो हमें आसो वेरियो है। तो मारा तो भाग्य है कि मारे गांव रे में एड़ो बड़ो खेल महासंग्राम वे, तो मने और मारा गांव वाला ने बहुत खुशी है। मैं वो आप वादो करनी सब हूँ कि पूरा गांव रो सहयोग आप रहते हैं, कोई कमी नहीं रखवाला, माओ जो जितो भी सहयोग है जो मैं करता रहा और मारा भाग खुल गया। आपकी सबरी मेहरबानी, धन्यवाद। बोल मालेश्वर भगवान की जय हो। अभी अमित साहब ने जो आशीर्वाद दिया हम आपके बहुत आभारी हैं कि हमारे बीच आप इस आशीर्वाद के साथ खड़े हैं इस तपोभूमि पर, जहां मैं कैमरामैन रमेश पटेल को कहना चाहता हूं कि वो जो इस लोकेशन है वो कुछ उसका कवरेज बताए। ठीक इनका हमेशा खेल में रुचि रहती है और ये अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इस खेल महासंग्राम में शो करते रहे हैं, आज हमारे बीच है। मैं उनसे इस बारे में जानना चाहता हूँ कि इस खेल संग्राम के बारे में आपकी उत्सुकता किस रूप में है और समाज के लिए, इस खेल संग्राम के लिए आपकी क्या भूमिका रहेगी। गर्व की बात है कि हमारे गांव में ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, उसमें बहुत आनंद की बात है और हमारा सहयोग आपके साथ में रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी युवा संगठन के साथी जो हमेशा युवा संगठन के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं, हर काम में आगे रहते हैं, श्री रामलाल जी बीजा, उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि वो अपने उद्बोधन से ये बताए कि आपके गांव में जो खेल आयोजन हो रहा है लोगों में किस तरह की उत्सुकता है
और लोग किस रूप में इस खेल को देखते हैं? बहुत बढ़िया है सब हमारे गाँव में अच्छो प्रोग्राम है रही हो। धन्यवाद आपने भी के बिंजा में राख्यो और आपरे हाथे मोर खूब खूब सहयोग गए। धन्यवाद साहब, जय मालाराम जी। मालेश्वर भगवान की जय। सभी के दिलों में गुरुदेव मालेश्वर भगवान जिन्होंने समाधि लेकर एक ही बात गांव का सबसे बड़ा मान सरोवर बोला जाता है और हमारी सरपंच साहब मान सरोवर की ओर देखते हुए धूप आ गई है। प्रसाद तो मालाराम जी आशीर्वाद किंजा जी का जी हो घी का सही एक नहीं है ये है? जो भी इनकम होगी उसकी इनकम डाल के तो लेगा। जी न्यूज़ फुटबॉल कबड्डी वॉलीबॉल ही इस गांव की छोटी सी नैनी बच्ची उर्मिला पटेल जो इस खेल मां संग्राम के बारे में सुनकर के बहुत उत्साहित है, आज हम उनसे बात करना चाहते हैं। उर्मिला पटेल, हमारे गांव में खेल होगा और हम सब यहां पर देखने आएंगे और हमारे गांव में बहुत अच्छी तरह से खेलेंगे। बहुत बड़ा खेल प्रोग्राम, बहुत अच्छा गांव में रोटी खाने जाओ बच्चा जाओ बच्चा नंबर को जाओ मंडाले ही ना हलो रे भाया घबर बिजामे हलो भाया घबर बिजामे अरे गुरु जी रा दर्शन करिया रे संतो गुरु शरणा में यूं भरिया रे सासी भगती गुरु जी रे कई जे सासी भगती गुरु जी रे कई जे हे गुरु शरणा में तेरी रे संतो गुरु शरणा में यूं भरिया पाली जिला में